हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि पूरी की पूरी सीरीज़ है। और यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारतोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर होता है। भाई, बॉडी मास और मतलब बोलते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा, तो उनको किस टाइप का खाना लेना चाहिए ताकि उनकी जो है वो बॉडी जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, बनी रहे। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन। देखिए, भारतोलकों को प्रायः जो है बॉडी बिल्डर्स को है ना, मोस्टली क्या है, ज़्यादा मांसपेशी और मतलब बॉडी मास बनाना रहता है। और इसके लिए उनको क्या चाहिए, ऐसे आहार का वो जो है वो इनटेक करें जिससे कि उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा मिले उनको, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन लेने की उनको जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ताकि उनकी जो मांसपेशी और बॉडी मास बनी रहे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। भैया क्यों डालती हैं, ये देख लेते हैं। ताकि हल्के निलंबित अवद्रवों को अवशोधित करने के लिए, कठोर जल और मृदु जल में परिवर्तन करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या फिर पानी को रंगहीन करने के लिए। अब एग्जैक्टली हमको और आपको सबको पता है कि भाई पानी में फिटकरी डालने का मतलब तात्पर्य क्या हो जाता है, तक जो है यहाँ पे रेखा की माँ को तालाब जो तालाब से पानी लेके आती है उसमें फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जो तालाब का पानी है उसके अंदर जो भी अपद्रव्य है वो फिटकरी के थ्रू जो है वो उसमें से हट जाए, बस इसीलिए करती हैं। तो यहाँ पे मेरा आपका आंसर अपद्रव वाला जो है, हल्के निलंबित अपद्रव को अवसादित करने के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। यहाँ पे सबसे प्रभावी शिक्षण व्यूह रचना पूछी गई है किसके लिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के लिए। तो क्या श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में उदाहरण देके स्पष्ट कर देंगे विद्यार्थियों को, या फिर जीवों के प्ले कार्ड्स बनाएंगे। देखिए, श्याम पट पर लिख के बताएंगे या प्ले कार्ड्स बनाएंगे विद्यार्थियों के समूह को, भिन्न भिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए इन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहेंगे, भैया अरेंज कर दो। विभिन्न आवायों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए कहेंगे विद्यार्थियों को, खोज करना तो बट ऑफ कोर्स बहुत ही अप्रोप्रिएट जा रहा है ये उत्तर। विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जहाँ तक हमें लग रहा है, ये जो है बच्चों को यहाँ पे एग्जैक्टली खोज करने के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जाता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला, वो पता है ना खाद्य श्रृंखला किसकी बनती है, उत्पादक होते हैं, फिर उसको हिरण खाता है, हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है, शेर को फिर गिद्ध खाता है, बाज खाता है, ठीक, बाज को कौन, जू खाता है, यानी कि लास्ट में उसका अपघटन हो जाता है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है, अगर इसकी संकल्पना का हम खोज करने बोलेंगे तो चले जाएंगे जंगल में और हो जाएगा कुछ कांड और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम ये कि भैया जीवों के जो है प्ले कार्ड्स बनवा लेंगे, है ना, प्ले कार्ड्स में उन जो है बनवा लेंगे और उनको जो है वो समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित यानी मैनेज करने के लिए कहेंगे कि भाई फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकेंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ कौन सा आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाएंगे और विद्यार्थियों के समूहों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहेंगे, तो ये सबसे प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेत और नमक को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया के निम्नलिखित चार क्रमों में से किसका उपयोग करना चाहिए, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या फिर निस्यंदन। देखिए, सारे यहीं पे लिखे हैं, सेम है एज इट इज़, बस आगे पीछे करके लिखा है। तो हमें ये बताना है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए यानी कि अलग करने के लिए कौन सी चार प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रियाएं तो यही है, लेकिन इसमें से फर्स्ट कौन सी आएगी, सेकेंड कौन सी, थर्ड कौन सी, फोर्थ कौन सी, हमें ये बताना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर सबसे पहले तो होगा निस्यंदन। अब निस्यंदन वाला देखो, निस्तारण है यहाँ पे, तो ये तो ऐसे नहीं होगा, तो निस्यंदन वाला एक ही यहाँ पे दिख रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निस्यंदन सबसे पहले हम करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, फिर वाष्पन होगा, फिर अवसादन होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि भाई बच्चे जो है अधिकांशतः श्वसन और सांस लेने के बीच जो अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि उनकी कक्षा की वो अध्यापिका नहीं है,
विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं पाए, या फिर शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता, मिसमैनेजमेंट रहता है, या फिर कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकता है। हमेशा याद रखना कि बच्चे को नहीं समझ में आया तो बच्चे की गलती नहीं है, टीचर की गलती है भैया। तो यहाँ पे जो है बच्चा अगर नहीं समझ पाया तो किसकी गलती है? टीचर की, यानी कि उसने क्या समझा नहीं पाया। तो शिक्षार्थी अगर श्वसन एवं सांस लेने के बीच के अंतर को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भैया शिक्षिका जो है वो कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को, कंटेंट को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, तो उसे जो है वो फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है? सब्जी को काट के तब उन्हें चलते पानी में धो देना, सब्जी को काटना पकाने के पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रख देना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, या फिर सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना। बहुत ही मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है ना, सब्जी काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं। मेरे घर पे खुद ही पहले मम्मी ऐसे करते थे, फिर जब से मैंने बताया तो बोले अपना ज्ञान अपने पास रखो, तो फिलहाल भी अभी वैसे ही पकती है सब्जियाँ, लेकिन जब हम अपने लिए बनाते हैं तो हम अपने लिए जो है वो उसे अच्छी तरीके से धोते हैं और फिर काटते हैं। तो फिर ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ऐसा भी होता है ना, पेरेंट्स नहीं मानते हैं किन किन चीज़ों को, लेकिन अब हमारे मम्मी करने लगे हैं, तो फिर यहाँ पर सब्जियों को अच्छी तरीके से अब धोते हैं और उसके बाद काटा जाता है। तो याद रखिए, सब्जियों को हमेशा पहले अच्छी तरीके से धोना है और फिर काटना है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है, उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित चार भिन्न गतिविधि जो है वो सुझाई जाती है। यानी कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वायु, ठीक है, मतलब हवा होती भी है या नहीं होती है, तो ये दिखाने के लिए उन्होंने एक्टिविटी किया। अब इस एक्टिविटी में एग्जैक्टली क्या करते हैं, आइए देखते हैं। पहले में है जो खाली बीकर उल्टा पानी की सतह के ऊपर रख देंगे और उसे जो है नीचे की तरीके नीचे जो है वो थोड़ा सा पुश आउट करेंगे, यानी कि यहाँ पे बीकर है, इसमें पानी भर दिया और ये बीकर जो है वो उल्टा करके इसको जो है वो यहाँ से प्रेशर देंगे नीचे की तरफ पानी में, तो उसमें से थोड़े बहुत बुलबुले वगैरह जो भी आएंगे तो उससे पता चलेगा कि भैया वायु है। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचेंगे, स्ट्रॉ से जूस को खींचेंगे, गुब्बारे में भैया हवा भर देंगे, बलून में हवा भर देते हैं। दो भरे हुए गुब्बारों को एक छड़ से बांध देंगे और समयावस्था में लाएंगे, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ देंगे। सबसे बेस्ट क्या है? तो भाई यहाँ पे बताया, लेकिन देखिए आइए देख लेते हैं नीचे इसका जो उत्तर है वो क्या है। ए और डी, बी और डी, ए सी और ए बी। तो सबसे अप्रोप्रिएट गतिविधियाँ, कौन सी गतिविधियाँ वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी, यानी कि एनी टू ऑप्शंस आर करेक्ट हो भैया। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कौन से दो ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, कह सकते हैं कि खाली बीकर जो है वो पानी की सतह से ऊपर की तरफ रख के अगर नीचे ढकेलेंगे तो उसमें जो है पानी के बुलबुले जो है वो निकलेंगे, यहाँ से जो है बुलबुले निकलेंगे, तो फिर उससे जो है हमें पता चल जाएगा भैया इसमें जो है वो वायु है, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि भाई स्ट्रॉ के माध्यम से जूस खींचना और गुब्बारे में हवा भरना को हवा नहीं कहते हैं। हमें जो संकल्पना है वो एकदम करेक्टली उनको दिखा देना है कि भैया एक बार में समझ में आ जाएगी भैया हवा है। ठीक है, गुब्बारे में हवा भरना भी, उसमें हवा होती है, लेकिन वो उनको प्रूफ नहीं कर रहा है ना, हमें बताना है भाई कि कैसे प्रूफ होएगा कि भैया उसमें हवा है, लिटरली है भाई कुछ। तो दो भरे हुए गुब्बारे लेंगे, एक छड़ से बांध देंगे, समयावस्था में लेके आएंगे, यानी कि ये कोई छड़ है, इसमें जो है गुब्बारे को बांध देंगे और फिर एक गुब्बारे को जो है ढिशुम फोड़ देंगे। जब फोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला गुब्बारा जो है वो नीचे की तरफ लटक जाएगा और ये वाला क्योंकि फूट चुका है गुब्बारा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये जो है नीचे की तरफ झुक जाएगा, ये जो है ऊपर चली जाएगी डंडी, राइट। तो इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि इसमें क्या था, हवा था, जिसकी वजह से ये जो है वो नीचे की तरफ इसका भार आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको दो ऑप्शंस करेक्ट मिले हैं, कौन कौन से? एक तो पहला बीकर वाला, दूसरा कौन सा, गुब्बारे वाला, जो कि दोनों समयावस्था में लाके रखेंगे और फिर एक को जो है वो फोड़ देंगे। तो ए और डी का ऑप्शन कहाँ है आपका? ये वाला। तो ए आपका ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन सही है आपका। याद रखना ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो कभी गलती में हजल फजल मत करना और डी मार के आ गए, देखा कि हाँ ए और डी दोनों सही है, हाँ हाँ डी 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 वाला कहाँ है डी, तो ये डी ऑप्शन मार दिया, ऐसा गलती कभी मत करना। ठीक है, तो जरा देख लीजिएगा ऑप्शंस को एक बार ढंग से, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक, क्योंकि ए और दो दोनों भी है। अगला क्वेश्चन कहता है
वायु प्रदूषण प्रकरण को पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरीके की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? तो ये देखते हैं सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट पद्धति यहाँ पे कौन सी है। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पे जो है वृत्त चित्र दिखाना है। विद्यार्थियों से कह रहा है कि वो दीपावली के पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को जो है वो सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का स्वस्वर पठन करने के लिए कहना, संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट कर देना, ये तो कहीं हद तक भी अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के जो है वो उत्तर लिखवाना। देखिए सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा कि वायु प्रदूषण प्रकरण अगर पढ़ाना है उनको, सबसे बेस्ट है ना कि उनको बोलो भाई दिवाली के पहले और दिवाली के बाद में जो है दोनों भी वायु के नमूने अगर वैसे देखा जाए ना, तो ये भी अप्रोप्रिएट वैसे होता नहीं है। ठीक है, मतलब कौन कहाँ से हम वायु के नमूने कलेक्ट करने जाएंगे, एक बच्चा वायु के नमूने कहाँ से कलेक्ट करेगा। लेकिन मतलब बताने के लिए यहाँ पे बता दिया गया है, तो भाई भी ऑप्शन ही आपका सही है, क्योंकि उसे कहा जाएगा कि भाई मतलब आप ये है कि उसको ऑब्जर्वेटरी भी आप बोल सकते हैं कि भाई आप जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि दिवाली के टाइम पर कैसा रहता है वायु, है ना। और पटाखा वटाखा फोड़ने के बाद दिखता ही है कि भैया कैसा है, श्वास श्वास लेने में भी तकलीफ हो जाती है बहुत ज़्यादा, अगर किसी एरिया में फोड़ देते हैं पटाखे वगैरह तो दिक्कत कर जाता है। तो फिर कह सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता का जो है मैं अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को जो है वो सारणीकृत किया जाए। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो बी है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे भी उनको खोज करने का मौका मिले, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, खुद से लर्निंग करने का मौका मिले, वही ऑप्शन हमेशा 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 ही सही होगा, ये याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो एक शिक्षिका है जो कि तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। तो जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, अब तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है, और जो है ये बच्चा क्या व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है? पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रिय, या फिर आक्रामक व्यवहार। एक बच्चा जो तनाव से ग्रस्त है उसका व्यवहार कैसा होगा, यानी वो क्या कर रहा होगा? तो कह सकते हैं भाई कि वो जो है, जब कोई बच्चा बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा एकदम अटैक करने वाला नेचर का होता है, कुछ भी बोला नहीं तब से अटैक कर देगा, तो आक्रामक बिहेवियर का हम कह सकते हैं, तो वो जो है वो एक तनावग्रस्त बच्चा हो सकता है। हाइपर एक्टिव यहाँ पे नहीं आएगा, बिल्कुल भी याद रखिएगा, हाइपर एक्टिव बच्चे, अति सक्रिय बच्चे, तनावग्रस्त बच्चे की पहचान नहीं होती है। तनावग्रस्त मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, कुछ भी बोले तो बस खड़े हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाता है भाई उनका गाना रोना, सब सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि भाई स्टील की खाली कटोरी पानी पे तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील जो है वो डूब जाती है। तो इसे जो है वो डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो इसे क्या, कैसे हम जो है वो व्याख्यायित कर सकते हैं? स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पे ड्रामे में मत जाइए, सबसे बेस्ट हम सबको देखो पता है क्या होता है कि जो भी स्टील की कटोरी वो पानी में इसलिए तैर जाती है क्योंकि स्टील की कटोरी पे लगने वाला जो बल है वो उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है और इस वजह से वो तैरती है, और जो लोहे की कटोरी है या फिर लोहे की कील है वो डूब जाती है इसलिए क्योंकि लोहे की कील पे जो लगने वाला बल है उसकी भार की तुलना में कम है। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हम ढूंढ लेंगे, जो स्टील की कटोरी है वो उस पर जो बल लग रहा है वो भार की तुलना में ज़्यादा है और कील पे लगने वाला भार उसकी भार की तुलना में कम है, दैट इज़ वाई ये जो है वो कील डूब जाती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि स्टील की कटोरी पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पे लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है, इसीलिए जो है वो कटोरी तैरती है और कील डूब जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन अंकुरण और वृद्धि। देखिए अंकुरण व अंकुरण तो भैया जानवरों में नहीं मिलता ना, जीव जंतु की बात की है। वृद्धि और प्रजनन कह सकते हैं दोनों में मिलता है। भोजन बनाना और प्रजनन, तो भैया भोजन बनाना देखो जीव जंतुओं तो भोजन बना लेते हैं अपना, लेकिन वो डिपेंड होते हैं ना, खुद से नहीं बना पाते, वो पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, उनसे आएगा तब बना पाएंगे। वृद्धि और भोजन बनाना, तो देखिए सबसे अप्रोप्रिएट इनका उत्तर यही है कि भैया वृद्धि भी होती है
और प्रजनन भी होता है पेड़ पौधों में भी, जीव जंतुओं में भी। भोजन बनाना जो है वो पेड़ पौधे कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं रहे, हम अपना भोजन स्वयं बना लें, ऐसा कुछ हो सकता है कि? मतलब स्वयं बनाने का मतलब यहाँ पे ये तात्पर्य नहीं है कि हमको खुद से खाना बना ले तो उसको खाना बनाना कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना खाना जो है स्वयं तैयार करते हैं और हम जो है पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अंकुरण वंकुरण तो अपने में होता नहीं है जीव जंतुओं में। वृद्धि और भोजन बनाना वापस यहाँ पे वही आ जाता है, प्रजनन या भोजन बनाना, तो भोजन बनाना वाला अंकुरण वाला ये सारे नहीं आएंगे। तो वृद्धि और प्रजनन ये दोनों कॉमन है, जो कि दोनों में होता है। किसमें किसमें? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 72 और कहता है कि अंजलि की सहेली दांतों में छह से बचने के लिए निम्नलिखित चार तरीके बताती है। चलिए ये देखते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल करना चाहिए। इनामेल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहनने चाहिए। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ बहुत लेने चाहिए। अच्छा, नहीं लेने चाहिए। अच्छा। हर खाने के बाद कुल्ला करें, बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पे अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? भाई उसको 6 से बचना है और 4 तरीके उसकी फ्रेंड बताती है, तो इसमें से कौन सा उसको जो है वो फॉलो करना चाहिए? तो भाई मेरे हिसाब से ए वाला तो फॉलो करना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इनहेल जो है वो कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहनने चाहिए, तो ये कहीं हद तक भी जो है वो मुझे नहीं लगता सही है। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ बहुत लेने नहीं चाहिए, ठीक है? तो फिर ए सी बिल्कुल भी जा रहा है। और हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, तो ये सबको जो है वो मुंह को जो है वो रिंस करना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए, पानी से जो है उसे वापस से धुल लेना चाहिए। यानी कि ए सी और डी, ए सी डी आपका पहले ही उत्तर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन में 2 बार ब्रश करो, मिठाई चॉकलेट से दूर रहो और खाने के बाद कुल्ला करो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई नीचे दिए गए वे नारे का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे कुछ दिए हैं जीव जंतु जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे वे नारक में, यहाँ पे वे नारक में जो है वो 3 गोले दिए हैं, जिसमें से पहले गोले में लिखा है भैया कि जमीन पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो दिए गए हैं। दूसरे वाले गोले में दिए हैं पानी में रहने वाले जीव जंतु। तीसरे वाले गोले में लिखे हैं भैया अंडे देने वाले जीव जंतु। अब इसमें से पूछता क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स वर्ग में रखे जा सकते हैं? यानी कि एक्स में जो है वो तीनों टाइप के आते हैं, जमीन पे भी रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं और अंडे भी देते हैं। ऐसे जीव जंतु कौन से हैं? ईल है यानी कि सर्प मीन, यानी कि शार्क है, मछली है या फिर मगरमच्छ है। देखो इसमें से अंडा कौन देता है सबसे पहले, ठीक है? तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो मगरमच्छ को हम एक्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये अंडा भी देता है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी आके सबको डरा डरा के खा जाता है। तो भाई यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है मगरमच्छ। क्या आपको पता है यहाँ पे अपना जो इंडिया है इसमें केंद्रपारा एक जगह है जहाँ पे 3 टाइप के मगरमच्छ रखे जाते हैं। एक तो मगरमच्छ है, एक क्रोकोडाइल जिसे बोलते हैं वो उसको रखा जाता है, और एक जो है मगर का नाम ही मगर है तो ये भी रखा जाता है वहाँ पे। तो तीनों टाइप के, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर की सीरीज भी हम आपके साथ शेयर करें तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है, एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखते हैं? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। भाई कार्बन डाइऑक्साइड कब लेने लगे जलीय पौधे? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने दें, मछली को भी, मछली की एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, डेकोरेशन बढ़ाने के लिए, भाई पानी को साफ करने के लिए। देखिए सबसे अप्रोप्रिएट यही है कि भाई मछली घर में जो है वो हवा वाला पंप इसलिए रखते हैं ताकि उसमें अधिक से अधिक जो हम लेते हैं वही तो वो भी लेते हैं ना भाई जीव जंतु, ऑक्सीजन को जो है वो पानी में घुलने दी जाए। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भैया पानी को अगर उबाल के जो है वो एक्वेरियम में भर के रख दिया, जो भर के रख दें और उसमें मछली को डाल दो तो क्या होगी, मछलियाँ जो है वो मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि पानी को हमने उबाल दिया तो उसमें से जो है वो उसके मिनरल्स वगैरह जो खनिज तत्व वगैरह जो है वो सब सब नष्ट हो जाते हैं और जो है वो ऑक्सीजन भी नहीं ले पाती उसमें प्रॉपरली, तो फिर वो क्या होती है, डाई हो जाती है, मर जाती है, कहानी खत्म। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो काम खत्म कर जाएगी। तो जब एक मछली, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, चलिए देख लेते हैं। जब एक मछली को पहले उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे हुए पानी में एक्वेरियम में डाल दें तो वो मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मछली घर के एक्वेरियम का पानी क्या रहता है, ऑक्सीजन रहित हो जाता है, मछली के द्वारा पीने योग्य नहीं, खनिज रहित या फिर मछली के तैरने योग्य नहीं होता है। तो यहाँ पे
जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी उसमें से मिनरल्स वगैरह हो, खनिज वगैरह, वो सब सब नष्ट हो जाते हैं। तो चूंकि जो जल को हम उबाल दिए तो उसके खनिज क्या हो गए, नष्ट हो गए। और ऐसे जल से युक्त अक्वेरियम मछली में जो है वो, अरे मतलब जल में जो है वो मछली मर जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहित नहीं होता है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं, खनिज रहित हो जाता है, इसीलिए जो है वो मर जाती है। सो सैड ना। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे बेहतरीन वर्णन करता है। पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, या फिर गहरे गड्ढे, पानी नहीं है, ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, और समतल सतह। समतल सतह तो वहाँ पे बिल्कुल भी पाई नहीं जाती है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही यहाँ से निकल गया, एलिमिनेट हो गया है। तो यहाँ पे चांद की सतह पे कह सकते हैं कि पानी तो है ही नहीं, इसी वजह से हम वहाँ पे जाने की तो सोच सकते हैं लेकिन रहने की नहीं सोच सकते हैं फिलहाल के बारे में। तो पानी नहीं है, ऐसे दो ऑप्शन है हमारे, बाकी यहाँ पे ये दोनों तो ऐसे ही निकल गए, क्योंकि सबसे पहले तो पानी नहीं है, यहाँ पे गुरुत्व नहीं है और हवा भी नहीं है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है पानी वाला, तो ये भी एक कंसीडर हम कर सकते हैं। अब दूसरा हम एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पर्याप्त हवा है, तो यहाँ पे जो है ना पर्याप्त हवा भी है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हवा वाला ऑप्शन भी निकल जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा, और हवा यहाँ पे भी है तो ये भी निकल जाएगा। यानी कि आपका सही उत्तर क्या बन जाएगा, समतल सतह बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे हवा नहीं है, पर्याप्त हवा नहीं है, तो बचा क्या, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं वहाँ पे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे, ठीक है। इसको हम कहते हैं ना, भैया आपका चेहरा चांद के जैसा है, तो भैया ध्यान रखिएगा उसके चेहरे पे गड्ढे बहुत हैं, ठीक है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी यानी कि डेंगू और जापानीज जो इंसेफेलाइटिस होता है, जापानीज मस्तिष्क ज्वर जो होता है, इसकी रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है कि भाई अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तन, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। जाली मतलब कौन सा, मच्छरदानी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उपरोक्त सभी कथन या फिर सही है। देखिए यहाँ पर जो आरती जो है वो पोस्टर जो भी पढ़ रही है ना, वो सबके सब यहाँ पर सही पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या सही है, डेंगू और जो आपका जापानीज इंसेफलाइटिस है यानी कि जो जापानीज मस्तिष्क ज्वर है, वो रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ रही हैं, और ये सब सही है। देखिए आसपास जो है वो पानी को जमा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए, पानी के बर्तन हो गए, कूलर हो गए, टंकी हो गए, इसको साफ करना चाहिए। कूलर आपको पता है, कूलर जिसमें पानी भर के रख देते हैं, पहले ठंडी ठंडी हवा ले लेते हैं और उसके अंदर जो है वो नीचे बेसमेंट में उसके जो है पानी वो जमा रहता है, तो वो जमा ही रहता है, मतलब एक लेवल पे आके पानी खत्म हो जाता है ना, तो उसे हमको चेंज कर देना चाहिए, लेकिन हम नहीं चेंज करते, उसी में जो है वो फिर से पानी हम भर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही दिए गए हैं, और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग यानी मच्छरदानी का प्रयोग भी करना चाहिए, तो ये तीनों भी ऑप्शन जो है वो सही है, तो यानी आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन जो है दिए गए सही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं, लौह मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लौह और गुड़, मच्छर मलेरिया, एनीमिया यानी कि रक्त अल्पतता। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर शब्द समूह की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैच कौन कर रहा है यहाँ पे ना, लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, ये जो है थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। बात करते हैं यहाँ पे लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, ये कह सकते हैं लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप है। देखिए क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से जो है वो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, और आंवले में आयरन अधिक पाया जाता है, तो इससे जो है हम इससे बच सकते हैं, इसमें जो है वो लौ तत्व और एनीमिया कह सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो है भी आपका बढ़ा देगा, आपको जो है आंवला वगैरह का सेवन भी करना चाहिए। तो ये जो है टोटली रिलेवेंट है, रिलेट कर रहा है लौ हीमोग्लोबिन एनीमिया एंड आंवला। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, या फिर एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, या फिर एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, या फिर विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट, तो भैया पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, डिस्कस करना, किससे? पीटीए मीटिंग में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, तो उसमें जो है वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताएं क्या है। ये नहीं कि आपका बच्चा ऐसे करता है क्लास में वैसे करता है, इसको समझाओ ऐसे करो, मारो पीटो और ये करो, ऐसा नहीं बोलने का। देखिए करना क्या है, उनको बताना है, लेकिन मतलब क्या उनकी कमियां बताओ, लेकिन उसके साथ में थोड़ी सी उसकी योग्यताएं भी बता दो, तो जो है ना पेरेंट्स थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कि ये नहीं कि टीचर खाली बस नेगेटिविटी उसकी गाई जा रही है, ठीक है। तो बोलने का भी एक, कन्वर्सेशन का भी एक तरीका होता है, किसी की मतलब बोलते हैं ना बुराई भी करो तो कैसे, तारीफ करके करो, यानी कि उसके बारे में कुछ अच्छाई बता के फिर थोड़ी सी बुराई कर दो, ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो है वो योग्यताएं भी बताओ और कमजोरियों के बारे दोनों में भी डिस्कशन करना चाहिए, ऐसा नहीं बस आ गए हैं अरे तुम्हारा बच्चा तो क्लास में ऐसे करता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे पढ़ते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरीके से ताज़ा रख सकते हैं? तो राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकी परिगणना करती है कि भैया उसको कटोरी में रखती है, कटोरी को एक खुले बर्तन में रखती है जिसमें ठंडा पानी है, और उसे जो है वो गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो ये देख लेते हैं कहना क्या चाहती है ये, कि भैया उपयुक्त तकनीक बी जो है वो निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है। बी वाला ये देख लेते हैं, बी वाला काका बेटे उसे एक गीले कपड़े में लपेटती है, मतलब ये क्या चीज़ हो सकती है? प्याज और लहसुन को गीले कपड़े में लपेटेंगे तो फिर बदबू देने लगेगा, काजू बर्फी जो है वो खराब हो जाएगी, हरा धनिया या फिर पके हुए चावल। तो इन दोनों में से हम कह सकते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो भैया पके हुए चावल को भी जो है हम गीले कपड़े में रखेंगे तो फिर कैसे खराब हो जाएगा ना पका हुआ चावल। हरा धनिया, बिल्कुल हरा धनिया को अगर गीले हुए कपड़े में अगर आप बनाए मतलब रख देंगे तो आपको फ्रिज की भी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट जो है वो तरोताजा वैसे के वैसे जैसे आपने बाय करके लेके आए सेम टू सेम एज इट इज़ बना रहता है। तो यहाँ पे जो है वो हरा धनिया जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर है, गीले कपड़े में जिसे वो लपेट के रखेगी। अच्छा, 5 के विद्यार्थियों को घर्षण यानी कि फ्रिक्शन की बात हो रही है, प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका जो है वह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है, एग्जाम्पल देती है कि भाई ये फ्रिक्शन जो है वह कई तरीके से उपयोगी होता है, इसके द्वारा निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? गलत पूछा है तो गलत को अंडरलाइन कर लो पहले। हमारे जूतों और जमीन के बीच में होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है, ये तो भैया गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस आती है, ब्रेक लगाने पे वाहन रुक जाता है, पेन की नोक और पेपर के बीच में होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे जो है जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, तो बिल्कुल सही है, अगर घर्षण नहीं होगा तो हम चल कैसे पाएंगे, नहीं तो फिसल नहीं जाएंगे। ब्रेक लगाने पे वाहन रुक जाता है, घर्षण अगर नहीं होता तो ब्रेक लगाने पे वाहन नहीं रुकता, बारिश के टाइम पे देखिए ब्रेक लगा के नहीं रुकता है वाहन, सीधे स्लिप होती है गाड़ी। पेन की नोक और पेपर के बीच में होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, तो बिल्कुल इसी वजह से लिख पाते हैं। तो पूछा था यहाँ पे गलत कौन सा है, तो गलत है भैया ऊर्ध्वाधर रूप से अगर फेंकी गई वस्तु है, बॉल को अगर ऊपर फेंकोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही नीचे चली जाती है ना, तो इसी वजह से बी वाला आपका जो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सभी बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे रूप से सॉरी सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग जो है व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। सहयोग तो वैसे कोई देता नहीं है, पर आइए जान लेते हैं। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें, अक्सर घर से यार भाई खुद की गाड़ी रहेगी तो कौन जाता है सार्वजनिक वाले से, बताइए ज़रा, बहुत कम लोग हैं समझदार जो कि करते हैं, लेकिन अप्रूव मतलब कह सकते हैं भैया 100 में से 90 लोग नहीं मानते हैं, ठीक है 10% लोग जो हैं करते हैं। अक्सर घर से बाहर जाने से बचना या फिर व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं खरीदें, तो भैया पैसा जिसके पास चल जाके उसको बोलो भाई मत खरीद, तो लगाएगा दो कान के नीचे। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए जो है वो व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने, तो देखिए बड़े शहरों में अगर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण अगर पर्यावरण प्रदूषण होता है तो सबसे अप्रोप्रिएट यही है कि भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग जो व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए जो सर्वाधिक यातायात की व्यवस्था का प्रयोग करते हैं,
तो इनको जो है वो इसमें अपना जो है वो सहयोग दे सकते हैं। कैसे? आने जाने के लिए सर्वाधिक जो है वो यूज़ करें कौन सा? यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें, कौन सा? सार्वजनिक वाला, है ना। बस से जाना चाहिए, ट्रेन से जाना चाहिए, ना कि BMW से जाना चाहिए। मतलब नॉर्मल कार भी उसी में आती है, ठीक है, तो उससे नहीं जाना चाहिए, इससे जाना चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं ना कि अगर जा रहे हैं, मतलब हम लोग करते हैं क्या पता है, अकेले एक 4-व्हीलर ले लिए हैं, अब उसमें क्या है, एक अकेला व्यक्ति जाएगा। अगर 2-4 लोग उसमें जा रहे हैं देन इट इज़ ओके, तो वो आपका प्लेस ऑक्यूपाई है और आप जा रहे हो, देन इट इज़ ओके। लेकिन हम करते हैं क्या पता है, एक कार तुम्हारे पास है, एक हमारे पास है, एक उसके पास, एक इसके पास, अब सब में कितने व्यक्ति है, सिर्फ एक एक, और इसी जगह पे एक बड़ी सी बस है, इसमें कितने हैं, 50 लोग हैं। तो देखो ना, ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस कौन सा कर रहा है? बस कर रहा है ना। और ये क्या पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा कर रहा है, और ये भी पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं कर रहा। जितना 4 गाड़ियाँ करेंगी उतना एक अकेला बस तो नहीं करेगा। तो ये सब बस कहने की बातें हैं, कोई करता तो है नहीं, लेकिन मतलब कहते हैं ना बहुत ही कम लोग हैं जो इस पर ध्यान देते हैं सच में पर्यावरण पे। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जो है वो होमवर्क जमा नहीं कर जाता है, तो इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय कौन सा हो सकता है? तो आइए ऑप्शंस की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोक देना, तो भैया बहुत हद तक ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिख देना, मतलब फिर वो आपके पास क्या करने आया है, पेरेंट्स के लिए आप नोट लिख रहे हो, तो मतलब वो तुम्हारे पास क्या करने आया है भैया, पढ़ने आया है ना, तो डील आपको करना है, पेरेंट्स को नहीं बीच में लेके आना है। इस बात के लिए विषय में प्रधानाचार्य को क्यों सूचित करना है भैया, हमको सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए? देखिए, अगर समीर पर्यावरण की दत्तकार या फिर होमवर्क है जो वो नहीं जमा कर पा रहा है, तो उससे निपटने के लिए सबसे पहले कि उसकी अनियमितता, मतलब वो क्यों रेगुलर नहीं है, इस चीज़ का हमको पता करना होगा। फिर उसको जो है वो थोड़ा सा परामर्श दे दो, थोड़ा सा गाइडेंस दे दो, भैया कर लिया करो, होमवर्क ही तो करना है, कौन सा तीर तीर मारना है, ठीक है। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्यों मृदा में वायु है, क्यों पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो भैया वायु हर जगह वो पढ़ा रहे हैं, और इस प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक जब ये प्रश्न पूछता है तो वो क्या कहना चाहता है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल को विकसित करने का प्रयास जो है वो कर रहा है? चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल, संवेगात्मक या फिर वर्गीकरण कौशल? देखिए यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि वो जो है वो ऑब्जर्वेटरी जो स्किल है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको कह रहा है कि भाई ऑब्जर्व करो क्या मृदा में वायु होती है, तो वो बच्चा जाएगा ऑब्जर्व करेगा, हाँ होती है या नहीं होती है, अच्छा, पानी के अंदर वायु होती है, हाँ देखा था मैंने, अच्छा, हाँ मछलियाँ वो हवा छोड़ती हैं तो ऐसे ऐसे निकलता है उसमें से, तो फिर हाँ हाँ होती है, क्या हमारे शरीर में वायु होती है, हाँ, सांस लेते हैं तो फिर जो है वो उसमें अंदर रक्त परिसंचरण जो है वो प्रॉपर होता है, खाना जो है डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन्स टूटते हैं ऑल, हाँ, बिल्कुल होता है होता है, हाँ तो वो क्या है ऑब्जर्व करेगा, है ना, तो ऑब्जर्वेटरी स्किल हो जाएगा ये, तो हमारी हड्डियों में वायु है, यानी ये सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। अवलोकन व्यवहार ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन कौशल की तरफ इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामने जो है वो लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार जो सुधारात्मक उपचार या फिर उपाय कह सकते हैं उपलब्ध कराना, ये सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, उन्हें घर पे करने के लिए अतिरिक्त दत्तकार देना, एक्स्ट्रा होमवर्क देना, ये कहीं हद तक सही नहीं है। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करते रहना। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर किसी कक्षा में औसत से कम अंक वाले अगर छात्र हैं, तो उन्हें सभी छात्रों के बराबर लाने के लिए, मतलब सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि वो किस क्षेत्र में कमजोर हैं, वो पता लगा लो। उसके बाद टीचर का काम ही क्या होता है, निदान करना, फिर उपचार करना, ठीक है, पहले पता लगाना फिर उसका उपचार कर देना, टीचर का काम यही तो होता है ना। तो पहले तो पहचान कर लो और उसके बाद उसके अनुसार जो है सुधारात्मक उपाय कर दो, ठीक। तो ए उत्तर जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि भैया एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से किस क्रम में कौन सा सही तरीका है?
डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, A1 ब्लूप्रिंट से मिलान करना। तो सब में देखो यार ये सेम ही लिखा है, लेकिन सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तो मतलब यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस पूछा गया है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि भैया उसका डिज़ाइन हम तैयार करते हैं। तो डिज़ाइन वाला कौन कौन सा है यहाँ पे, डिज़ाइन वाला दो है। डिज़ाइन तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन तैयार करने के बाद हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं यहाँ पे ये उत्तर जो है वो चले जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डिज़ाइन सबसे पहले तैयार की जाती है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर हम प्रश्न लिखते हैं और फिर उसका संपादन करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, अंक योजना फिर जो है वो डिसाइड करके लिखी जाती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और के कोयले के भंडारों में रिक्तिकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि बी को जो है वो ग्रीन बोर्ड पे आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थी एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिए। भैया ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है, भैया मल्टीमीडिया कैप्सूल यानी कि भैया उनको मतलब वो जो बोर्ड आता है ना स्मार्ट बोर्ड, उस पर आप पढ़ा रहे हो मल्टीमीडिया कैप्सूल के थ्रू, तो फिर वो समझ में तो आएगा ही ना बेहतर। और उनको क्या है, एक बच्चे को भैया ग्रीन बोर्ड पे आप समझा रहे हो ड्राइंग वगैरह के थ्रू, मतलब या फिर कागज़ वगैरह से आप कह सकते हो 2D के हिसाब से आप समझा रहे हो, एक बच्चे को आप 3D में सिखा रहे हो। 3D इन अ सेंस आप कह सकते हो कि पूरा उनका ओवरऑल मतलब सारे सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, वो सुन भी पा रहे हैं उसमें, देख भी पा रहे हैं, अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है, कौन सा इसमें से ऐसा होने का कारण पूछा गया है, सबसे बेहतर समझ पाए ए अ वर्ग के लोग। तो ऐसा क्यों हुआ, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संसाधन के लिए जो है सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं, या फिर ग्रीन बोर्ड जो है एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आपको और हमको और सबको पता है यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए संतुलित जो भी आपका है सबसे बेस्ट कि पेट्रोल पढ़ाना है, कोयला पढ़ाना है, या जो भी आपको पढ़ाना है, इसके लिए अगर आपने मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया है और बी को जो है वो ग्रीन बोर्ड पे आपने पढ़ाया, तो जब ए और बी का अगर आपने तुलना किया तो पता चलता है कि ए वाले जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ पाए। तो इसका मुख्य कारण यही है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बच्चे को जो सारी इंद्रियाँ सारे सेंसेस उसके यूज़ होते हैं उसमें देखने के लिए, तो वो चीज़ें जो होती है ज़्यादा देर तक याद रहती है। अब हम आपको यहाँ पे अगर कुछ ड्रॉ करके बताते हैं कि हाँ ये माउंटेन है, ये अरावली पर्वत है, मतलब यहाँ पे अरावली नहीं है ठीक है, यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ जाती है, बृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय है ठीक है, यहाँ पे जो है अरावली के पर्वत आ जाते हैं, फिर अपना विंध्यास की रेंज है, सतपुड़ा है ठीक, तो ये सारे रेंज आ जाते हैं। तो फिर ये आपको याद रहेगा थोड़े दिन तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करके समझाया गया है, आपके सेंसेस है। अगर मतलब इसको और अप्रोप्रिएट कर सकते हैं इसमें अगर कलरफुल विजन्स लाके है ना, तो वो जब देखते हैं तो सेंसेस से ज़्यादा दिन तक वही चीज़ें याद रहती है। और एक को क्या है, एक मतलब ग्रीन बोर्ड पे ऐसे बता दिया गया है, हाँ ये दो कागज़ पे लगा के एक फ़ोटो बना के चिपका देंगे, बोलेंगे हाँ ये पहाड़ है ये पर्वत है देख लो, तो बच्चे को इतना जो है वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ हैं कोई उसमें अगर देख के सुन के बता रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, वो चीज़ें याद रह जाती है हमेशा हमेशा के लिए, तो ये सबसे बेस्ट होगा। इसीलिए जो है वो एक कक्षा वाले बेस्ट तरीके से पढ़ पाते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को सही तरीके से वो लोग कर पाते हैं। कक्षा में जो है पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए, खोलने के बाद देखने का मन किसका करता है भाई, बाद में शिक्षक को व्याख्यान करनी चाहिए, पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, मानव दांतों का प्रतिरूप जो है वो दिखाना चाहिए। पोषण प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को क्या कहेंगे, भैया पोषण प्रकरण पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है कि शिक्षिका बोले भैया अपना टिफिन बॉक्स खोलो, और फिर अरे रुको रुको मतलब खोल के स्टार्ट नहीं हो रहा है ठीक है, तो यहाँ पे उनको जो वो देखने के लिए कहना है, कितनी बुरी बात है ना, सिर्फ देखने के लिए कहना है खाने के लिए नहीं। तो उसके बाद जो वो शिक्षक को जो है व्याख्या करनी चाहिए, तो इससे डिस्कस ये हो पाएगा कि भैया गुजराती लोग क्या ज़्यादा खाते हैं है ना, यूपी वाले ज़्यादा क्या खाते हैं ठीक, उसके बाद उत्तर भारत वाले मतलब वही उत्तर भारत वाले यूपी वाले क्या खाते हैं, फिर दक्षिण भारत वाले ज़्यादा क्या खाते हैं ठीक है। तो इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे मेथी मेथी पराठा है, या फिर ढोकला वगैरह है जो गुजरात में ज़्यादा खाते हैं, उत्तर भारत में कह सकते हैं गेहूँ वगैरह मतलब रोटी वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है, दूध वगैरह बहुत पीते हैं यहाँ पे, और दूध दही बहुत तगड़ा यहाँ पे यूज़ होता है भाई,
और दक्षिण भारत में कह सकते हैं मतलब गोवा वगैरह के तट पे तो कह सकते हैं मछली और चावल यहाँ का आहार है, तो फिर इस हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, और बहुत ही बेहतर तरीके से पोषण प्रकरण को हम समझा सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, टिफिन बॉक्स खोलना है बट खाना नहीं है। हाँ, शामिल करना यानी कि एंगेज करना, खोजबीन करना यानी कि एक्सप्लोर करना, व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेन करना, विस्तार करना यानी कि एलैबोरेट करना, एवं मूल्यांकन करना यानी कि इवेलुएट करना। तो विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े पांच महत्वपूर्ण ई एस है ये, इनको ई एस ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक साइंस का टीचर है तो उन्होंने निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए कहती है, क्या कहती है भैया ये देखते हैं। बीजों को रात भर पानी में रख दें और उनको जो है वो सूती कपड़े में रख दो, 2 दिन बाद जो बीजों का अवलोकन करो, उसको ऑब्जर्व करो कि क्या उसमें चेंजेस आए और उसको रिकॉर्ड करो, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक यानी कि वर्कशीट का जो है वो काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन पांच में से कौन सा शामिल नहीं होता है, ये जो इन्होंने गतिविधि करने के लिए दी है बच्चों को यानी कि ये तीनों पॉइंट जो कहे हैं कि पहले तो रात भर पानी में रख दो, फिर गीले कपड़े में इसको जो है रख दो, फिर 2 दिन के बाद जो है बीजों को फिर आपको देखना है, उसका क्या ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है और फिर लिखना है, फिर पुस्तक पढ़ना है कि उसमें क्या क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं एंड ऑल, मतलब क्या है उसका कंटेंट देख लेना है एक बार, और जो है वर्कशीट जो दी है उसमें क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व आउट करना है, तो ये काम आपको कर लेना है। तो इन पाँचों में से क्या कौन से ई एस नहीं शामिल हैं, अब इतने सारे जो ईएस बताया ना, एक्सप्लोर, एंगेज, इवेलुएट, एलैबोरेट, ये सारे, तो इसमें से कौन से नहीं शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन से नहीं शामिल हैं, तो उनको हम एंगेज और एक्सप्लोर ये शामिल नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन कह सकते हैं, सी ऑप्शन जो है वो शामिल यहाँ पे नहीं है। इन पांचों में से कौन से शामिल नहीं होते हैं, यानी कि उसमें वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और एंगेज नहीं कर हो पाएंगे, ऐसा ये कहते हैं। पता नहीं इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर जो है हम पिन कर देंगे, ठीक है, अगर आपको पता है सही उत्तर तो ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में लिखें, लेकिन मुझे ये डाउटर लग रहा है फिर भी। मतलब एंगेज, बच्चा एंगेज तो उसमें हो ही रहा है क्योंकि उसको पानी में रात भर रखने के लिए कहा गया है, तो अवलोकन करने के लिए बच्चा ही कर रहा है तो ये एंगेज तो है ही, एंड एक्सप्लोर करना, यहाँ पे एंगेज वाला कोई और ऑप्शन है, यहाँ पे एंगेज, इवेलुएशन तो यहाँ पे सब में होता है, इलेबरेट यहाँ पे, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन यहाँ पे तो कोई नहीं कर रहा है, तो फिर भी देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे गए हैं हम, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और जो जैसा भी रहेगा हम आपको कमेंट जो है वो पिन कर देंगे, अगर आपको पता है तो आप भी इसे जो है वो लिख सकते हैं वहाँ पे, हम आपका कमेंट भी पिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में ऐसा हो जाता है कभी कभी कि डाउटेड रहता है क्वेश्चन, तो उसे गलत बताने से अच्छा है कि एक बार उसे चेक कर लिया जाए तो ज़्यादा सही हो। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। रणथंभौर कहाँ पर है, अपना राजस्थान में। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की सहायता कौन करेगा, डैश में विद्यार्थियों की सहायता ये किया जाएगा, कक्षीय अधिगम में वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए, कौशल विकास के लिए, या फिर बाहरी भ्रमण के दोस्तों के साथ मजा लेने के लिए, या फिर प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि भैया कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से, हमको डे टू डे लाइफ से, रियलिटी से जो है वो उनको जो हमको जोड़ना है। तो सबसे बेस्ट आपका अप्रोप्रिएट आंसर है आपका ए वाला, और इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो हम जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो कक्षा कक्षीय अधिगम वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए काम आएगा। अब इसके आगे यहाँ पे एंडिंग है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।